गजब बेइज्जती है। अभी आप लोग गेस करो कि मैं कहाँ हूँ। तो अभी मैं हूँ अपने मामा जी के यहाँ पे, क्योंकि हर साल राखी में हम अपने मामा जी के यहाँ पे आते हैं, तो इस साल भी रक्षाबंधन में हम लोग मामा जी के यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए राखी का ड्रेस लेने। मैं अपनी बहन के साथ जा रही हूँ। ये है मेरे मामा की बेटी, मेरे बड़े मामा की बेटी, मीनू नाम है इसका। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मेरे लिए राखी का ड्रेस लेने। तो चलो चलते हैं शॉप, देखते हैं कि क्या कुछ अच्छा मिलता है या नहीं। सो गाइस, वी आर ऑन द वे। अभी हम दोनों बहन जा रहे हैं इस प्यारी सी स्कूटी में। बोल रही थी कि लाओ मैं चलाती, मैंने बोला नहीं यार, लड़कियों पे तो विश्वास नहीं होता, वो भी खासकर स्कूटी के मामले में। आप लोग जानते हो गाइस, पापा की परी हूं मैं। हालांकि मैं भी हूं लड़की, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइव पे विश्वास होता है सच में, और किसी लड़की पे नहीं होता है। मुझे सिर्फ लड़कों पे विश्वास होता है ड्राइव के मामले में। तो गाइस, बहुत सारी ड्रेसेस देखने के बाद एक ड्रेस मैंने फाइनल कर लिया है अपने राखी के लिए। सो गाइस, अभी मैं आपको एक मस्त चीज बताऊंगी। मैं नहीं, मतलब ये बताएगी। चल बता, अरे अपने ब्लॉग में मेरे को मत घुसाए कर, बता दे हाथी का मार ये डाल रहे। जब भी इसको बोलने बोलो, बोलती नहीं है गवार। मैं बताती हूँ आप लोग को हुआ क्या। अभी ना बारिश हो रही थी, ठीक है, तो सारे कपड़े छत पे सूख रहे थे। तो मेरी जो मामी है फटाफट पूरे कपड़े निकाल करके आई, ठीक है, ताकि कपड़ा भीगे ना। और उसके साथ साथ जो किराए वाले, मतलब यहाँ थोड़े से दूर में किराए वाले भी रहते हैं, ठीक है, तो अरे थोड़ा सा डिस्टेंस में है ना, तो ठीक है। तो जो किराए वाले के जो कपड़े सूख रहे थे ना, वो भी फटाफट मामी निकाल के उनके घर में दे के आ गई। Thank you.
10 रुपए देते हैं। क्या बोलोगे? चलो जाओ, माफ कर दी तुम लोगों को।